वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अभी हम वोटर जागरूकता के लिए एक क्विज जो है, वोटर अवेयरनेस क्विज, उसके बारे में जानने वाले हैं और इसको कैसे हम लोग रजिस्टर करेंगे और कैसे क्विज में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम में चले जाएंगे। आपको मोबाइल में जो भी नेट चलाने के लिए होगा, क्रोम या फिर मोजेला या इसी ब्राउज़र कोई भी में, या आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट। यहाँ पर आ रहा है मेरा VOTERAWARENESCONTEST, ये लिख के हम लोग सर्च करते हैं। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ इसे। तो ये हमने सर्च कर लिया इस तरह से, गूगल में मेरा आया। इसके बाद सबसे फर्स्ट में यहाँ देखें लिखा हुआ है वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पेज आके खुलेगा मोबाइल में, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से आपके मोबाइल में यह पेज आके खुलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि तीन लाइन दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ सबसे ऊपर में दाहिने तरफ, यहाँ पर तीन लाइन दिख रहा है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे जहाँ मैं टच कर रहा हूँ। तो इस तीन लाइन पर यहाँ क्लिक करना है तो इस तरह से ये खुलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर या लॉग इन, इसमें जाते हैं हम लोग। इस पर जैसे ही हम क्लिक किए मेरे मोबाइल में इस तरह से ये खुल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर दर्ज करें, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग अपना मोबाइल डालेंगे। इस नंबर पर OTP जाएगा, इसलिए आपका जो अपना नंबर होगा वही डालेंगे। OTP मैसेज फिर यहाँ पर इंटर करना पड़ता है, तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ। तो हमने ये अपना नंबर लिख दिया, इसके बाद OTP प्राप्त करें। ये OTP मेरे मोबाइल पे सेंड हो रही है। ये टाइमिंग रहता है इसका 1 मिनट का। तो मेरे मोबाइल पर OTP प्राप्त हो चुका है, मैं OTP यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये देखिए 1 मिनट नहीं लिया, ठीक है, तो फिर से हमें देखना पड़ेगा कि क्या आया है मेरा OTP। तो है 98 92 90, ये मैं डालने वाला हूँ। अंठानवे 92 90, जैसे ही हमने OTP डाल दिया, यहाँ आगे बढ़ने का ऑप्शन है। ये OTP मेरा यहाँ लेने में लेट कर गए हम लोग। तो पुनः ये OTP भेजना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमने लेट कर दिया इसके लिए। ये टाइम रहता है, देखिए टाइमर मेरा चल रहा है अभी 92 03 41, 92 03 41। यह हमारा OTP सत्यापित हो चुका है, हमने सही OTP इस बार डाला था। अब इसमें हम लोग अपना नाम, ये सारा चीज़ हम लोग भरेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना नाम भर दिया,
मैंने अपना पता वगैरह सारा क्लिक कर दिया तो ये मेरा ले चुका है। और ये भरने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ कुछ में लिखा हुआ है ऑप्शनल, लिखा हुआ है आप लोग भी देख रहे होंगे। तो ऑप्शनल का मतलब ये आप नहीं भर सकते हैं, मतलब इसको चाहे तो आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको भरना कंपलसरी नहीं है। और फिर लास्ट में है नीचे पासवर्ड, तो ये पासवर्ड हम अपना ही मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। आप भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे ताकि ध्यान में रहे कि क्या आपने डाला है। तो हमने OTP दर्ज कर दिया है, सॉरी, या जो अथी पासवर्ड है उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। ये मेरा नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमारे खाली छोड़ देते हैं। तो चलिए, अब मेरा कॉलम पूरा हो चुका है, देखते हैं आगे। इसको सबमिट कर दिए। इस तरह से मेरा सबमिट ले चुका है और इस तरह से मेरा पेज अब खुल चुका है। इसमें हमें क्विज देखना है। थैंक यू, यू आर रजिस्टर्ड। तो अब मेरा इस पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। इसमें हमें क्विज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्राउज प्रतियोगिता, यानी यही सी प्रतियोगिता में हम लोग को जाना है, अंग्रेजी में यह पार्टिसिपेट करना है हम लोग को क्विज में। तो प्ले क्विज, रेडी टू प्ले, 15 मार्च तक ये आपका चलेगा, ठीक है। तो इसी में आगे देखते हैं कहाँ है क्विज वाला। फिर से आया, प्रश्नोत्तरी खेलें, प्रश्न उत्तर वाला खेलें। तो ये मेरा नाम लिखा सबसे ऊपर और इस तरह से एक क्विज है। तो ये आपको क्विज प्ले करना है अपने अनुसार। जब एक वाला कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा, दूसरा वाला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तीसरा, और इस तरह से फाइनल कंप्लीट करना है। तो ये था टोटल प्रोसेस। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, चाहे कोई भी नेट वाला में, गूगल वाला में, और उसमें वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ 3 बिंदु टाइप का यहाँ दिख रहा है, ऐसा वाला में जाके रजिस्टर करना। 3 लाइन वाला जो यहाँ दिख रहा है ना मेरे मोबाइल में, सेम उस वाला, वहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे। उसके बाद क्विज वाला ऑप्शन में जाना है, प्ले क्विज में। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर किसी को कुछ असुविधा हो तो विद्यालय में मोबाइल फ़ोन के साथ आएंगे, वो आपको करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।